लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की उद्देश्य से सासाराम में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट सासाराम परिसर से जिलाधिकारी नवीन कुमार तथा भारतीय क्रिकेट टीम के रोहतास के लाल आकाशदीप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में काफी संख्या में स्कूली छात्राएं, जीविका दीदी, एनसीसी, आंगनबाड़ी आशा के लोग भी शामिल हुए। डीएम नवीन कुमार ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर यह जागरूकता रैली निकाली गई है। कलेक्ट्रेट सासाराम से निकली यह रैली फजलगंज सासाराम स्टेडियम में पहुंचा, जहां आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया गया। सर, मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर लोगों में क्या कुछ संदेश देना? आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है, और इसमें मैं पूरे जिले के मतदाताओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि आपका जो ये मतदान देने का अधिकार है, ये संविधान से आपको प्राप्त हुआ है। आप भारत के एक नागरिक हैं और आपकी आयु अगर 18 वर्ष से ज़्यादा है तो यह अधिकार आपको भारतीय संविधान ने दिया है। निश्चित रूप से इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग आवश्यक इसलिए भी है, यदि आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका जो कर्तव्य है उसका अधिकार और कर्तव्य का यदि प्रयोग नहीं करेंगे तो आप अपनी जो बात है, अपनी जो चीज़ें हैं, वो जनप्रतिनिधि तक या सरकार तक कैसे रखेंगे। और जिन जनप्रतिनिधि को आप चाहते हैं कि वो आपके जनप्रतिनिधि बने तो निश्चित रूप से अच्छे जनप्रतिनिधि बनाएं, और उनको अगर आप वोट का अधिकार वोट अपना नहीं देंगे तो कैसे उनको आप चुन पाएंगे। तो निश्चित रूप से अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए अपने वोट का प्रयोग जरूर करें, और उस दिन उत्सव के रूप में, जैसे हम लोग अन्य पर्व उत्सव के रूप में मनाते हैं, चुनावी उत्सव के रूप में उस दिन निकलें, पहले से प्लानिंग रखें, उस दिन अपने को कम बिजी रखें, और निश्चित रूप से वोट देने के बाद ही कहीं जाएं, या यदि आप कहीं बाहर रह रहे हैं, किसी कारणवश कहीं गए हैं, तो कोई आत्मकता अगर नहीं हो, कोई इमरजेंसी नहीं हो, तो निश्चित रूप से उस दिन अपने घर पर रहें, अपने आवास पर रहें और वोट का प्रयोग करके ही कहीं जाएं। सर, वृद्ध मतदाताओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी अलग से, उनके लिए क्या अपील है? बूथ पे मतदाताओं के लिए आप सभी लोग जान रहे हैं कि सीट की व्यवस्था की जाएगी, अलग अलग महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग पंक्तियों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ हमारे जो दिव्यांगजन हैं या वृद्धजन हैं, उनके लिए घर पे भी जाके मतदान दिलवाने का की बात हुई है, और यदि वो बूथ तक आते हैं तो उनके लिए ग्रीन चैनल हम लोग बनवाते हैं, जिसमें बुजुर्ग हमारे जो मतदाता है उनको, हमारे जो दिव्यांगजन है उनको, जो माताएं जिनके गोद में बच्चे हैं उनको ग्रीन चैनल से हम लोग आते ही उनको वोटिंग कराएंगे। वहाँ पानी की व्यवस्था रहेगी, वहाँ पे बच्चों को खेल, कहीं कहीं पे जहाँ पे हम लोग आदर्श मतदाता केंद्र बनाएंगे वहाँ बच्चों के खेलने की व्यवस्था रहेगी, और सभी तरह की व्यवस्थाएँ वहाँ की जाएंगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ और युवा मतदाता जो ज़्यादा से ज़्यादा।